नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास की कथा का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्री मन्नारायण। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में त्राहि त्राहि मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं, यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्य लोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापिस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ, आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेद सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अविभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपत कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है।
कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। कार्तिक मास कथा का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कब विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण कर विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि के अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। जब वह कमंडल में न अट सका तो कुएं में डाल दिया, और जब उसमें भी न समाया तब तालाब में, और जब तालाब में भी नहीं अटा तब फिर समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला और उस शंख को हाथ में लेकर विष्णु भगवान बद्री कारण्य चले गए। उन्होंने वहां सब मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी। श्री विष्णु भगवान बोले, जल के भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढो। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से बाहर लाओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हूँ। नारद बोले, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद जल से बाहर निकाले गए। उसमें जितना भाग जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उन भाग का वही ऋषि हुआ। उसके बाद सभी मनुष्य प्रयाग गए और पाए गए वेदों को विधाता सहित भगवान को दे दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त ही ऋषि गणों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष सर्प और गुहा ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है, आप वर देने वाले हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और भक्ति मुक्ति देने वाला माना जाएगा। यह काल का भी महापवित्र ब्रह्म हत्या आदि को निवृत्त करने वाला और दान को अक्षय करने वाला हो, यह वर हमको आप दीजिए। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा वही मेरा भी सम्मत है, तथास्तु। अर्थात मैंने तुमको मन वांछित वर दे दिया। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा लाएंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी के साथ सहयोग को प्राप्त होंगी। यहाँ ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास वास करो। यह तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली होंगी और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होंगी। अनेक जन्मों के लिए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो धीर पुरुष मेरे सानिध्य अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे तो फिर जन्म नहीं लेने वाले वे मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ति पाएंगे। जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी सारूपता को प्राप्त होंगे। यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुषों के पापों का नाश होगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के आने पर स्नान करने वाले को मैं सालोक्य, सामिप्य और सारूप्य ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वर, तुम सब मेरे वचन सुनो। सर्वव्यापी में बद्री वन में सदा रहता हूँ।
अन्य स्थानों में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ 1 दिन में सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं और कभी उनमें पाप नहीं रहता। सूत जी बोले, हे देव के देव श्री भगवान, देवताओं में ऐसा कहकर ब्रह्म समेत वही अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादि सब देवता भी अपने अंशों से वहाँ स्थित होकर अंतर ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे वह तीर्थराज प्रयाग और बद्री वन में जाने से जो फल मिलता है उसे पाएंगे। बोलो जय श्रीमन्नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।